कल जो आपने क्वेश्चन दिए थे तो वो सपने में भी आए थे, उसके बारे में हमने कितना सोचा, तो वो उसके बारे में मतलब कई सारी चीज़ें रात में जब सो रहे थे तो तब तक जब तक आंसर नहीं आया तब तक उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा, और आंसर जब आया उसके बाद ही नींद आई। इस सवाल में मुझे यही चीज़ अच्छी लगी कि जो चीज़ें हैं हमारे माइंड में, अगर हम ओपन तो नहीं कर रहे हैं उनको, कहीं आई और विस्मृत कर दिया, लेकिन यहाँ आकर वो ओपन हुई और ऐसा लगा कि नहीं यार, जब हमारे मन में कुछ आता है तो उसको आगे करके देखना चाहिए। आपको जो सिखाने की टेक्निक थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसमें आप लोग पहले कुछ चमचे कराते थे, एक्टिविटी कराते थे, उस एक्टिविटी में फिर हमारे लिए क्या कंक्लूजन निकल कर आया, क्या प्रिंसिपल उसमें लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो चीज़ हमें बाद में क्लियर होती थी, जबकि ये जो प्रोसेस है ऐसा हमारे बच्चों के साथ भी होना चाहिए। तो हमारा 16 सितंबर से 18 सितंबर तक IIT गांधीनगर के एक्सपर्ट द्वारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये बहुत ही रोचक है, और पहली बार ऐसा देखा गया कि जो पाठ्यक्रम से हटके हैं और जो मतलब स्थानीय परिवेश से हमें जोड़ता है। वास्तव में ये बात सही है कि अभी तक की जितनी ट्रेनिंग हुई है उनमें ये पहली ट्रेनिंग ऐसी है कि जिसको बिल्कुल स्वतंत्रता से ले रहे हैं, तो इंजॉय करके कुछ समय पे आ रहे हैं, कुछ समय पे जा रहे हैं, बीच में जा भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है बीच में, नहीं चाय पीने वगैरह वगैरह अपनी ज़रूरत, मतलब इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, उससे हटने का मन नहीं हो रहा। शायद अभी तक इतने साल पढ़ाई भी की है हम लोगों ने, तो इतने साल पढ़ाते भी हो गए, चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, बस यही एक ज्ञान था, किताब था कि संधि बाहु त्रिभुज की परिभाषा आ गई, लेकिन संधि बाहु त्रिभुज की परिभाषा को एक्सप्लेन करना वो नहीं आया था। पहले दिन मुझे अच्छा लगा आपने जो प्लस करने का बोला कि मोस्टली हम पीछे से स्टार्ट करते हैं आगे से क्यों नहीं, ये क्वेरीज वास्तव में हमारे दिमाग में आती है, काय को पीछे से करते हैं आगे से क्यों नहीं, लेकिन ना उसके लिए आगे बढ़ते नहीं हैं, है ना, इनकरेज किसी ने नहीं किया। अब आपने पुश किया कि करिए, तो जो बच्चों को हम ऐसे तो बोलते हैं ओरली कि इकाई को अलग कीजिए, दहाई को अलग, सैकड़ा को अलग जोड़ लीजिए, हो गया, पर वास्तव में ऑन पेपर उसको उस तरह से नहीं किया था जैसे आपने बताया। और यहाँ पर हमें जो एक अलग चीज़ मिली सीखने को, उसमें ये कि हम अभी तक जो सीख रहे थे वो हमारे बच्चों के लिए सीख रहे थे, अभी हमें जो सीखा है वो खुद के लिए सीखा है, जब हम खुद के लिए सीख पाएंगे तो हमने बच्चों के लिए बहुत अच्छे से वो चीज़ पहुँचा पाएंगे। मतलब हमको लग रहा है आज आखिरी दिन है, लेकिन हमें लग रहा है कि एक हफ्ता और मिल जाए आप लोगों के साथ काम करने को, तो हमें और मज़ा आएगा। इन विगत 3 दिवस में हम लोगों को एक नई दिशा दी, और हम कोशिश करेंगे कि अब विज्ञान के प्रति जो हमारी सोच जो अब नई विकसित हुई है उसको हम और आपकी तरह और आगे सुचारू रूप से और उसको चला सकें। गाली ना दे, बाकी सब बढ़िया है।